विद्युत व्यवस्था की बात तो आप लोग सारे जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तमाम सरकारें थी, बत्ती 5 घंटे 6 घंटे आती थी, आदमी सो जाता था तब बत्ती आती थी, जगता था बत्ती चली जाती थी। लेकिन हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं लॉन्च कर करके और गरीब अमीर सबको एक तरफ से सबका विद्युतीकरण करके और पूरे प्रदेश में एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जब विकास होगा तब हमें मानेंगे कि इस देश का विकास होगा। और उनके सपने को साकार करने के लिए हर गरीब को, हर मजदूर को, हर दलित के घर पे बिजली दे करके और उसकी बहू, उसकी बेटी, उसका बेटा बिजली की चमचमाती हुई रोशनी में अपना काम करता, अपनी पढ़ाई करता है, इससे साफ परिलक्षित हो रहा है कि हमारे ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। वर्तमान समय में जब इस वक्त भाजपा की सरकार है, इस वक्त बिजली की समस्या बहुत बड़ी है। बिजली कब आती है, कब जाती है, कोई जान नहीं पाता है। इतने लोग परेशानी में रहते हैं बिजली के वजह से। अब गर्मी बहुत होती है लेकिन बिजली की कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं किया है। बिजली की व्यवस्था हमारे सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की कि आप तो मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि 24 घंटे मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसीलों पर 22 घंटे बिजली देने का काम हमारे नेता ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर होते हुए, जिस तरीके से हमारा अति पिछड़े जिलों में, उत्तर प्रदेश के 8 अति पिछड़े जिलों में एक अति पिछड़ा जिला था, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती की गहराइयों को झांकते हुए जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक नए मॉडर्न स्कूल की स्थापना करके, 34 स्कूलों की स्थापना करके और गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, मजलूम बच्चों को, दलित बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, पाठ्यक्रम किताबें दे रहे हैं, कापी दे रहे हैं, जूता मोजा ड्रेस दे रहे हैं, मध्यान्ह भोजन दे रहे हैं, उनके नाश्ते की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी सरकार ने किया बिना किसी भेदभाव के, एक अच्छे क्वालिटी के कपड़े देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हम बताना चाहेंगे जो वर्तमान सरकार है, ये सारे इन्होंने कुछ नहीं किया है, सब समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके वक्त से शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है और जितने भी जूते मोजे मध्यान्ह भोजन ये सब किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। स्वास्थ्य व्यवस्था तो बहुत अच्छी सुदृढ़ हुई है। स्वास्थ्य के मामले में जिस तरीके से हमारी सरकार ने श्रावस्ती जनपद को स्पेशल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जिले में हमारे डायलिसिस की व्यवस्था है, 51 CSC पर हमारे कंप्यूटर द्वारा जो डिजिटल एक्सरे होता है उसकी व्यवस्था की गई है, और कोरोना की महामारी में 1.5 साल से हमारा पूरा देश जूझ रहा था उस पर विजय पाकर के अभी BBC ने अपनी खबर दी है कि इंडिया में श्रावस्ती एक ऐसा जिला है जहाँ पर आज कोरोना के एक भी पेशेंट नहीं है। ये सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में मुख्यालय गुंडा पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनवाया गया ये समाजवादी पार्टी के लिए, और सारी व्यवस्थाएं डायलिसिस की, एक्सरे की, ये सारी व्यवस्थाएं, जांच की, ब्लड के जांच की, सारी व्यवस्थाएं समाजवादी पार्टी की ही देन है। और जब ये हॉस्पिटल बना है तो हम दोनों विधायक, श्रावस्ती के और गुंडा के विधायक, हम लोग इसका उद्घाटन करके आए। पेयजल में 2 साल तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने 100-100 इंडिया मार्ग का उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को देने का काम किए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की एक अग्रणी सोच थी, एक नई पहल थी कि उसके तहत उन्होंने अमृत पेयजल योजना के तहत पूरे देश में उन्होंने हर गांव को मुख्य मार्ग से, मुख्य जल की व्यवस्था से गाँव में टंकी लगवा करके और लोगों को वाटर सप्लाई पानी दे करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 50 से 60 गाँव में कार्य चल रहे हैं, 10 से 20 गाँव में आच्छादित हो गए हैं। आने वाले दिनों में हमारे जिले का, हमारे विधानसभा का हर गाँव पेयजल से, स्वच्छ पेयजल से आच्छादित होगा। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि हर विधायक को, चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, हर विधायक को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 100-100 नल देते थे, और मांगने पर अगर कम पड़ता था तो और विधायकों को देते थे। हर जगह 100-100 नल हर विधायकों को देते थे, और विधायक जिसको चाहता था, जहाँ ज़रूरत होती थी, जहाँ आवश्यकता होती थी, वहाँ नल लगा था और लगवाया गया। हम लोगों ने बहुत नल लगवाए, आज तो हमने कहीं नहीं देखा कि कहीं नया नल लग रहा हो।
हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर के ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में सड़क न बनी हो। और जो कुछ छोटे छोटे काम थे, बचे थे, उसको मैंने अपने विधायक निधि से हर गाँव हर मजरे को मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। ये पूरा इसका आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश की सरकार इसका पूरा बायोडाटा किताब बनवा करके जनता की अदालत में हिसाब देने का काम किया। इस बारे में अगर आप मौके पर जाते हैं, जहाँ जहाँ बताया है, तो शायद आपको पता भी चल जाता है कि क्या किया है इस भाजपा की सरकार। और मैं जो कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो मेन मुख्यालय से जो इटौना जुड़ता है, इटौना तहसील मेन मुख्यालय भिंगा से, आप देखे होंगे कि 2 लेन का सड़क बना था। ये समाजवादी पार्टी की देन है। और उसके ऊपर राप्ती के ऊपर जो पुल बना, ये समाजवादी पार्टी की देन है। उस पर शिलापट भी लगा हुआ है।